क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे टाइम पास। नहीं, मन्नी 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 पापा देख, किस में फेस देख रहे हैं? मोबाइल में। ऐसे टाइम पास कर रहा हूं। तुम क्या कर रही हो? तो मैं पी रही हूं चाय, अभी शाम के 4 बजे हैं, 4 बजे मैं पक्का चाय पीती हूँ। और मन्नी खेल रहा है गेम। तो मैंने सोचा क्यों ना यार, आज चलो व्लॉग बना दिया जाए यार बहुत। और ये मुझे बोलते रहते हैं कि तेरे से व्लॉग बन ही नहीं पाएंगे। क्यों क्यों तेरे को बात नहीं करनी मारने के ना? मतलब सिंपल सी मिर्च मसाला चाहिए व्लॉग में है। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ किन किन लोगों को मिर्च मसाला चाहिए। अभी मिर्च मसाला तो मेरे पास देखो है नहीं है। नहीं बिल्कुल मिर्च मसाला, जैसे आज मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया, यूं इस टाइप से मतलब मजे वाले होने चाहिए ना लोग, देखने में मजा सा है। हैं आप लोगों को ऐसे ऐसे पसंद है? मुझे तो है भाई, बाकी का पता नहीं, मुझे तो है। मम्मी आपको कैसे पसंद है? तो कल थी दिवाली, आलू टमाटर। तो कल थी दिवाली, आज बिल्कुल दिवाली में बहुत पटाखे फोड़े हैं, बहुत मजा आया है। तो बस ऐसे ही और यहाँ पे है ना यार, यहाँ पे अभी जब बारिश हो रही थी और देखना मैं अभी भी चादर ओढ़ के बैठी हूँ, बस हल्की सी ठंड है, बाकी अब पंखा तो चल ही रहा है। और मैं लेके आई थी और चूड़ियाँ और एक ये वाली चूड़ी। और बहुत शॉपिंग की थी, बहुत पैसे खर्च किए। और मेरे पापा के पैसे आ गए और मैंने बहुत पैसे खर्च किए। तो और मेरे पास इतना तो है कि लेना चाहता हूँ है ना। दिवाली पे मैंने चमकता सूट पहना। तो हल्की सी झलक हम लगा देंगे दीपावली पे, हमने कैसे रात में पटाखे फोड़े थे। तो ये पटाखे तो फोड़े ही थे, फोड़ने ही थे दिवाली जो थी। तो अभी मैं इस हाथ के में जो चूड़ी था ना वो हो गई है, एक ही बची है और ये और नहीं है मेरे पास। अभी सोच रही हूँ मैं दोनों में से कौन सी पहनूँ। मैं एक एक ही पहन के रखती हूँ, ज़्यादा वो है ना बजती है ना, फिर वो मुझे अच्छा सा नहीं लगता। और फिर कभी कभी चलते हैं तो वो दीवार के लग के भी हो जाती है। यहाँ पे ना चूड़ियों का कांच बिल्कुल ही गंदे वाला कांच जिसको बोलते हैं ना हमारी साइड, ये पता आपको कितने रुपए की दी है? ये 30 रुपीज की दी है। और कितनी है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 चूड़ियाँ 30 रुपीज की। और हमारी साइड तो 10 रुपए की इतनी चूड़ियाँ आ जाती हैं। और क्या लगा इनमें? कुछ नहीं लगा, बिल्कुल सिंपल सी है। ये भी सेम ऐसी ही है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाली पहन लूँ। और मुझे लग रहा है कि मुझे ये छोटी हैं, मैं इनको दोबारा चेंज करवा के। आपकी बार नहीं बदलेगी? आपकी बार फिर 20 रुपए मार लेगी, पहले वाली में 20 मारे, आपकी बार वाली में फिर 20 मार लेगी। इससे अच्छा रख ही ले, नहीं लिया मैं इससे अच्छा। तो आपकी बार तो मैं दो दो ही चूड़ियां पहन के देखती हूँ। इस एक ये होता ना कि एक हाथ थोड़ा सा हल्का होता है, एक हाथ थोड़ा भारी होता है, तो इसमें तो आ जाएंगे आई थिंक। आ तो जानी चाहिए। आ गई। पता है मैं एक बार लेके आई थी रेड कलर की चूड़ियाँ, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पड़ी आई और उनको चेंज करवा के मैं ये वाली लेके आई थी। और वो मैं लेके आई थी 80 रुपीज की, और जब मैं उसको चेंज करवाने गई तो वो बोली नहीं मैंने तो कोई 80 रुपीज की नहीं दी थी, मैंने तो 60 रुपीज की दी थी। तो मेरी उसके साथ बहस हो गई, क्योंकि तो यार 20 रुपये भी मायने रखते हैं है ना। और मुझे जब भी मैं इस हाथ में पहनती हूँ ना, बस मुझे बहुत डर लगता है यार कहीं चुभ ना जाए, हो ना जाए, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ ऐसे ही हो रखा है। और घर में है ना मुझे सिंपल चूड़ियाँ ही पहनना पसंद है, बिल्कुल सिंपल। जैसे वो थोड़े बड़े बड़े से कड़े आते हैं ना, थोड़े मोटे मोटे से कड़े आते हैं, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। वो मतलब कि पार्टी वगैरह में, शादी वगैरह में। तो आगे हाँ सही है। आज तो मैंने दो दो पहन ली, वरना तो मैं एक एक ही पहन के रखती हूँ। तो यार व्लॉग चैनल को भी थोड़ा सा अच्छा सा ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा, कोशिश करूँगी मैं व्लॉग शूट करने की।
वीक में कम से कम 4 लोग तो आपको मिल ही जाएंगे, कोशिश करूंगी मैं। और ये जो एक वाली चूड़ी है इसको करना एक बार। क्या करना है? तोड़नी है? नो को नहीं बोलेगा दे तोड़नी है, इसी कर दो, करो दो। तो दनु आता गला करो, ये हटते यू दे देखो, जोड़ो हो जाता है, ये जोड़ है नहीं हटता है यू। आय मम्मा, मम्मा की नई चूड़ी। मम्मा ने ही बोला था, ठीक है, ज्यादा मम्मा का वो मत बन, चमचा वो दे मनी। मम्मा की नई चूड़ी तोड़ दी, देखो पापा ने देख के पापा ने, मम्मा का तो वो पुराने वाली थी, देखो ये तो ये बनी, इनके ऊपर हल्का सा डिजाइन हो रहा है। तो जैसे कि कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दी आपका घर दिखाइए, ये दिखाइए, वो दिखाइए, तो घर बिल्कुल छोटा सा ही है। मैं ही सोचती हूँ कि यार मैं क्या दिखाऊँ आप लोगों को, है ना। और ये मेरा कैमरा स्टैंड भी टूट गया अभी निकल के, है ना, इसकी पाइप दूसरा मंगवाना पड़ेगा। तो बिल्कुल यार, एक तो क्या बताऊँ मैं, सिर्फ एक ही कमरा है, किचन है और टॉयलेट बाथरूम है, बस, है ना, ये होता है। लेकिन कोशिश करूँगी मैं किसी ना किसी दिन व्लॉग शूट करने की, होम टूर करने की। और एक बार शायद मैंने दिखाया भी है, पता नहीं कौन से चैनल पे दिखाया है, तो उसमें कमेंट्स आया था, वैसे तो ऐसे तो बनी थी नहीं रहती और घर इतना छोटा सा है। अभी बाहर जॉब करनी पड़ रही है तो इतना छोटा एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना चाहे। और वैसे घर इतना मायने नहीं रखता, दिल ज़्यादा मायने रखते हैं कि आप कितने अच्छे हैं, आपका दिल कैसा है। बस मेरे अकॉर्डिंग तो यही अच्छा होना चाहिए, है ना। तो अभी मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा हल्का सा, वो जो सामने रूम है, मन्नी की साइकिल खड़ी है वही, है ना। तो अभी मैं बाहर बैठी हूँ, बहुत प्यारा मौसम हो रखा है, बहुत ही प्यारा। अभी बारिश होके हटी है, वैसे तो यहाँ पे गर्मी है, चेन्नई में ऑलमोस्ट गर्मी रहती है, ठंडी नहीं आती है। और 2400 घंटे पंखा तो रहता ही रहता है, और कई बार तो अब इस टाइम पे भी एसी चलाना पड़ जाता है। देखना सूट में मैच कर गई ना, अच्छा अच्छा लग रही है ना चूड़ियाँ, मुझे तो अच्छी लग रही है ना। तो कभी कभी दिमाग ख़राब होता है तो मैं ऐसे यहाँ पे आके बैठ जाती हूँ आराम से। अभी 4 बजे हैं, 4 बजे धूप निकलती है, लेकिन अभी यहाँ पे बादल हैं। तो या कोशिश करूँगी मैं छोटे छोटे से व्लॉग लेके आती रहूँ, आप लोगों को दिखाती रहूँ मेरी अपनी लाइफ में क्या हो रखा है। लाइफ में परेशानियाँ देखो बहुत होती हैं, हर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। आपको सिर्फ ये लगता होगा ना कि दोनों चैनल पे वीडियो डालते हैं, 2 टाइम वीडियो आती है। खैर जो भी है, उतार चढ़ाव लाइफ में चलते रहते हैं, आते रहते हैं, और ज़िंदगी भी यही है कि संघर्ष करते रहो, आगे बढ़ते रहो। किसी की ज़िंदगी में थोड़े ज़्यादा संघर्ष होते हैं, किसी की में थोड़े कम आते हैं, किसी की अच्छे से ज़िंदगी निकल जाती है, किसी की स्ट्रगल में ज़िंदगी निकल जाती है। और बच्चे होने के बाद तो बस यही होता है कि बच्चों के लिए करो जो भी करो। यहाँ पे बहुत ही प्यारा पक्षी है एक, फिर दिखाऊंगी, यहीं पे बैठा रहता है ये, बहुत ही प्यारा। हमारे उधर तो इसको कोतरी बोलते हैं, कोतरी। तो ये थी व्लॉग की शुरुआत, यहीं पे एंड करती हूँ मैं व्लॉग, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।